इस वीडियो में हम लोग इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम लोग इंटरेस्ट का बात करें तो इंटरेस्ट हम लोग कब देते हैं? जब हम लोग किसी से लोन लेते हैं तो लोन अमाउंट का कुछ परसेंट इंटरेस्ट के रूप में देना पड़ता है समय पूरा होने के बाद, ठीक है। तो अगर हम इंटरेस्ट का बात करें तो इंटरेस्ट दो प्रकार का होता है, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। सपोज कीजिए ए सम ऑफ 10,000 इज बोरोड। कितना रुपया लोन ले रहा है? 10,000 रुपया लोन ले रहा है। जो अमाउंट लोन लेते हैं इसको हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं। तो पी बराबर यहां पर कितना हो जाएगा? 10,000 रुपीज एट ए रेट ऑफ 10% पर एनम। मतलब रेट कितना हो जाएगा? रेट को आर से डिनोट करते हैं। रेट कितना हो जाएगा? 10% पर एनम। पर एनम का मतलब होता है कि 1 ईयर में, 1 ईयर में 10 रुपया का इंटरेस्ट 10 रुपीज होगा, ठीक है। कितने समय के लिए लोन लिया गया है? 2 ईयर के लिए, फॉर 2 ईयर, ठीक है। तो समय को हम लोग टी से डिनोट करते हैं। टी इज इक्वल टू कितना है? 2 ईयर। अब यहां पे फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन दिस सम एंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 2 ईयर, है ना। तो 2 साल के बाद इसको कितना रुपया रिटर्न करना पड़ेगा, साथ में इसका इंटरेस्ट कितना होगा, ठीक है। तो देखिए जो भी रुपीज हम लोग 2 साल के बाद रिटर्न करेंगे इसको हम लोग अमाउंट कहते हैं, इसको ए से डिनोट करते हैं। अमाउंट बराबर होता है जो प्रिंसिपल लिए थे इसको रिटर्न करना पड़ेगा, साथ में इंटरेस्ट रिटर्न करना पड़ता है, ठीक है। तो ये अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट यहां पर 2 प्रकार का होता है, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन कंपाउंड अमाउंट का फार्मूला होता है। कंपाउंड अमाउंट बराबर हो जाता है पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 के पावर टी। हम लोग यहां पर सिंपल इंटरेस्ट सबसे पहले निकालेंगे। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू कितना होता है? पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यहां पर पी का वैल्यू कितना है? 10,000। आर का वैल्यू है 10%, समय है 2 ईयर अपॉन 100। ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कितना हो जाएगा? 2,000 रुपया। अब सिंपल अमाउंट कितना हो जाएगा? सिंपल अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है यहां पर? 10,000। इंटरेस्ट कितना है? 2,000। टोटल कितना हो जाएगा? 12,000 रुपीज, ठीक है। ये सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। अब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला होता है ना। तो देखिए कंपाउंड अमाउंट बराबर कितना हो जाएगा?
कंपाउंड अमाउंट बराबर पी इंटू वन प्लस आर अपॉन हंड्रेड के पावर टी। यहां पर पी का कितना वैल्यू है 10,000, वन प्लस आर का कितना वैल्यू है 10 अपॉन 100, टी का कितना वैल्यू है 2। ये जीरो कट जाएगा, कितना होगा 10,000 इंटू, इसको इसको ऐड करेंगे, कैसे ऐड करेंगे, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो नीचे में 10 ऊपर में 10 प्लस 1 11, पावर 2 है तो इसको कितने बार लिखेंगे 2 बार लिखेंगे, ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो कट जाएगा, कंपाउंड अमाउंट बराबर कितना हो जाएगा, इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 1 2 1, कितना जीरो 2 गो 0, ये हो गया कंपाउंड अमाउंट, है ना। तो अगर कंपाउंड देखिए कंपाउंड अमाउंट बराबर कितना होता है, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर कितना होगा, कंपाउंड अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। तो यहाँ पर कंपाउंड अमाउंट कितना है 12,100 माइनस प्रिंसिपल कितना है 10,000, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना होगा 2100 रुपया इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली हो तो, हाफ ईयरली हो तो प्रिंसिपल सेम रहेगा, आर हाफ हो जाएगा और समय डबल हो जाएगा। अगर हम सेम क्वेश्चन का बात करें, यहां पर अगर कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली हो तो हम लोग यहां पर प्रिंसिपल का वैल्यू सेम लेंगे 10,000, रेट का वैल्यू हाफ कर देंगे, 10 का हाफ कितना हो जाएगा 5 और समय दोगुना कर देंगे, तो 2 ईयर है समय तो इसको 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 ईयर 5%, है ना। इस प्रकार से हम लोग इसको कैलकुलेट, हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला का उपयोग करके भी निकाल सकते हैं, है ना। इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, जैसे 2 ईयर है ना, तो पहले हम लोग 1 ईयर का निकालेंगे, फिर सेकेंड ईयर का निकालेंगे, फिर दोनों को हम क्या करेंगे एड कर देंगे। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे फर्स्ट ईयर का, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट ईयर का क्या करेंगे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर कितना होगा पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, तो यहां पर पी का कितना वैल्यू है 10,000 इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, 2 नहीं यहाँ पर 1 लेंगे, ठीक है ना, 1 ईयर का ही ना निकालना है तो इसलिए 1 लेंगे यहाँ पर, ये 2 जीरो कट जाएगा, कितना होगा 1,000 रुपीज हो जाएगा। तो अमाउंट कितना होगा, अमाउंट बराबर हो जाएगा 10,000 प्लस 1,000, कितना हो गया 11,000 रुपीज। अब हम लोग सेकेंड ईयर के लिए निकालेंगे, देखिए सेकेंड ईयर के लिए अगर निकालेंगे हम लोग
तो सेकेंड ईयर का जो प्रिंसिपल हो जाएगा ना वो फर्स्ट ईयर का अमाउंट हो जाता है, ठीक है ना। फर्स्ट ईयर का अमाउंट सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रिंसिपल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 11,000 रुपीज, है ना। यहाँ पे समय कितना हो जाएगा, 1 ईयर, और रेट हो जाएगा 10%, है ना। तो यहाँ पर SI इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 1 ईयर का, P P की जगह पर डायरेक्ट हम लोग 11,000 R इंटू T अपॉन 100, ठीक है। ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1100 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम सिंपल इंटरेस्ट का बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, देखिए फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट कितना देना पड़ा, 1000। सेकेंड ईयर में कितना इंटरेस्ट देना पड़ा, 1100, है ना। टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, टोटल इंटरेस्ट को ही हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर कितना हो जाएगा, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट प्लस सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है 1000, सेकेंड ईयर का है 1100, टोटल हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट 2100 रुपीज। एक और एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है, 10,000 रुपीज। तो यहाँ पर सिंपली लिखेंगे P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10,000 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10% पर एनम। समय कितना है, 2 1/4 ईयर, ठीक है। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 4 2 8 1 9 upon 4 ईयर। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P × R × T/100। यहाँ पर P का कितना वैल्यू है, 10,000, इंटू R का कितना वैल्यू है, 10, T का कितना वैल्यू है, 9 upon 4 × 100। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, है ना। और ये दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 9 5 जा 45, 4 9 18 4 22, है ना, इतना रुपया हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, ठीक है। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। कंपाउंड अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता है, P × 1 + R/100, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे समय कितना है, 2 ईयर, 2.5 ईयर, है ना। तो सबसे पहले हम लोग 2 ईयर का कंपाउंड अमाउंट निकालेंगे। तो कंपाउंड अमाउंट क्या हो जाएगा, P की जगह पर यहाँ पर सिंपली 10,000 1 + 100 के पावर 2, कितना हो जाएगा, 11/10 × 11/10। ये दोनों कट जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 1 2 1 00, ठीक है। अब ये हाफ ईयर जो बचा है उसका जो इंटरेस्ट निकालेंगे तो इसके लिए हम लोग सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना। ये हाफ ईयर के लिए हम लोग
सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर कितना होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, है ना, तीन होता है। तो यहाँ पर देखिए हाफ ईयर के लिए निकाल रहे हैं, तो समय की जगह पर हम लोग क्या लेंगे, हाफ लेंगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल के जगह पर हम क्या लेंगे, ये अमाउंट लेंगे, है ना। जो टू ईयर के जो लास्ट में जो अमाउंट होगा वो इस हाफ ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल के जगह पर हम लोग क्या लेंगे, 12,100, है ना, 12,100, ठीक है। अपॉन आर के जगह पर कितना लेंगे, 10। समय के जगह पर कितना लेंगे, 1/2 × 100, है ना, ये जीरो ये जीरो और ये 5, है ना, कितना हो जाएगा, 5 × 1 = 5, 5 × 5 = 5, 5 × 2 = 10, 605 रुपया हो जाएगा, ठीक है। अब जो टोटल कंपाउंड अमाउंट बराबर कितना हो जाएगा, कंपाउंड अमाउंट बराबर हो जाएगा 12,100 + 605, दोनों को सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12,07,05 रुपीज, है ना। और अगर इंटरेस्ट का बात करें, कंपाउंड इंटरेस्ट का, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा, अमाउंट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल दोनों को माइनस करेंगे तो कितना हो गया, 2705 रुपीज हो जाएगा। इतना चीज समझ में आ गया। इस प्रकार से हम लोग किसी भी प्रिंसिपल का अमाउंट या इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के समय, अगर समय 2.5 ईयर या 3.5 ईयर जो भी रहे, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 2 ईयर का कंपाउंड अमाउंट निकालेंगे, कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला यूज करेंगे।